हेलो एवरीबडी वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 थर्टी दैट इज़ कंडीशन एंड वारंटी इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है वॉट डू यू मीन बाई कंडीशन एंड वारंटी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एंड अंडर वट सर्कमस्टांसिस कैन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वॉरंटी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा सबसे पहले आप कंडीशन और वारंटी बताने से पहले आप ये बताओगे कि स्टिपुलेशन क्या होता है स्टिपुलेशन का हिंदी में मतलब होता है शर्त स्टिपुलेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन वन के अंडर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मे बी अ कंडीशन और अ वारंटी स्टिपुलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक ऐसी शर्त है जो कंडीशन भी हो सकती है और जो वारंटी भी हो सकती है ठीक है ऑल द स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस सारी स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती हैं कुछ स्टिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत एसेंशियल होती हैं मेन पर्पज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट के मतलब जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है वो स्टिपुलेशन हमारी कंडीशंस होती हैं और कुछ स्टिपुलेशन ऐसी होती हैं जो मेन पर्पस के साथ जुड़ी हुई होती है कोलेट्रल का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना ठीक है तो वो इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं उसे हम बोलते हैं वारंटीज़ अब स्टिपुलेशन हमारी दो तरह की होती हैं कंडीशन एंड वारंटी कंडीशन को सेक्शन सब सबसेक्शन 2 के अंडर डिफाइन किया गया है और वारंटी को सेक्शन सब सबसेक्शन 3 के अंडर डिफाइन किया गया है अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ कंडीशन कंडीशन क्या होती है तो ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन के अंडर इसे डिफाइन किया गया है कंडीशन क्या होती है इट इज़ अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स rise टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडेटेड ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना और रिप्यूडेटेड का मतलब होता है कैंसिल करना ओके okay? तो कंडीशन एक ऐसी शर्त है एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बहुत एसेंशियल है अगर वो कंडीशन टूटती है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये हक आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है ओके okay? कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है कंडीशन इट इज़ एन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट ये जो एसेंशियल वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्योंकि उसी के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन कॉजेज इर डैमेज इिपेरेबल डैमेज का मतलब होता है जिस जो नुकसान की भरपाई ना की जा सके उसको बोलते हैं इिपेरेबल डैमेज कि अगर कंडीशन टूट गई जिस जिस कंडीशन पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है जो मेन कंडीशन थी ठीक है अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हो पाई या फिर वो टूट गई तो एग्रीव्ड पार्टी जो है उसके पास ये हक होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और उसको ऐसा डैमेज होता है जो को जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती मींस वो इट विल डिफीट द वेरी पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फेरी पर्पज फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड तो ये जो है मेन पर्पज जिस पर्पज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है ये उसी को डिफेट कर देगा अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हुई द ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स अ राइट टू द अग्रीव्ड पार्टी टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द डैमेज फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन अग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसको नुकसान हुआ हुआ होता है ठीक है तो अगर कंडीशन टूटती है तो अग्रीव पार्टी जिसको लॉस हुआ है उसके पास ये हक आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकती है मीन कैंसिल कर सकती है और वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है किससे दूसरी पार्टी से कि उसने कंडीशन को पूरा नहीं किया या फिर कंडीशन को तोड़ दिया उके? अब इसकी एक एग्जांपल है इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि कंडीशन क्या होती है फॉर एग्जाम्पल देखो राम गोस्ट वो हॉर्स ट्रेडर राम एक घोड़ा बेचने वाले के पास गया और उसने कहा कि उसे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके ठीक है उसने कंडीशन बता दी अपनी कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सके द ट्रेडर गिव्स हिम अ हॉर्स और ट्रेडर ने उसे घोड़ा दे दिया और कहा कि ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दौड़ जाएगा अब राम ने कहा ठीक है ये घोड़ा मुझे दे दो उसने खरीद लिया वो घोड़ा जब वो घोड़ा लेकर आया तो उसने देखा Uh, कि घोड़ा जो है वो 40 किलोमीटर नहीं दौड़ रहा है वो तो सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो अब जो राम है उसने जाते ही अपनी कंडीशन बता दी थी कि मुझे इस कंडीशन पे ही घोड़ा मैं तभी खरीदूंगा तो ये क्या थी ये कंडीशन थी 40 किलोमीटर ठीक है अब जो सेलर है उसने ये कंडीशन पूरी नहीं करी तो यहाँ पे कंडीशन टूटी है अब राम जो है उसको लॉस हुआ है तो वो अग्रीवड पार्टी है तो राम के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सक कर सकता है और साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है सेलर से ठीक है मतलब वो रेप्यूडेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट uh, और वो जाके उसे घोड़ा वापस दे सकता है और पैसे जो है जो उसने घोड़े के दिए थे वो वापस ले सकता है और साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन टूटी है अब इसमें केस भी है केस ऑफ बाल्ड्री वर्सेस मार्शल का इन दिस केस बी आस्ट ए कार डीलर एम टू सजेस्ट हिम अ असूटेबल कार फॉर टूरिंग पर्पज बी ने कार डीलर के पास गया कार डीलर जो था वो एम उसका नाम एम था उसके पास गया और उसे कहा कि मुझे एक ऐसी कार दो जो टूरिंग पर्पज के लिए बहुत अच्छी हो कि मैं टूर करना चाह रहा हूँ डीलर ने उसे बुगाटी कार दे दी बी अकॉर्डिंगली परचेज द कार उसने उस पर भरोसा करके कार ख़रीद ली बट फाउंड इट अन फिट फॉर द पर्पज़ और बाद में उसे पता चला कि ये तो टूरिंग पर्पज़ के लिए है ही नहीं ये कार तो यहाँ पर क्या है कंडीशन टूटी है उसने कंडीशन पहले से बता दी थी कि मुझे ऐसी कार चाहिए जिसपे मैं टूर कर सकूँ ठीक है हेल्ड द सुटेबिलिटी ऑफ द कार फॉर टूरिंग पर्पज़ वॉज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट नॉन फुलफिलमेंट डिफिटेड द वेरी पर्पज़ अब वो कार पूरा ही ना कर पाई टूर का पर्पज़ उसका तो इसलिए कंडीशन टूट गई यहाँ पे जो कंडीशन उसने लगाई थी हैंस बी कोड रिटर्न द कार एंड गेट बैक द प्राइस तो बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है गाड़ी वापस करके पैसे वापस ले सकता है और साथ में डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है किससे कार डीलर से ओके okay? नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ वारंटी वारंटी क्या होता है अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे कंडीशन में यहाँ पे असेंशियल वर्ड था और यहाँ पे कोलेट्रल है तो ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज़रूर लिखने हैं आपको डेफिनेशन में कोलेट्रल होता है उससे जुड़ा हुआ वारंटी जो होती है ये भी एक स्टिपुलेशन होती है कैसी शर्त होती है लेकिन ये इतनी जरूरी नहीं होती है सिर्फ मेन पर्पज़ के साथ जुड़ी हुई होती है द ब्रीच ऑफ विच गिव राइस टू क्लेम फॉर डैमेजेस अगर वारंटी टूटती है कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वारंटी अगर टूटती है तो उस केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकती है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती और ना ही वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकती है क्योंकि वारंटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जैसे कि कंडीशन होती है ठीक है तो ये वो वाली वारंटी नहीं है जो एक नॉर्मल बंदा नॉर्मल पर्सन समझता है कि चीज़ को बेच दो और अगर ख़राब निकली तो वारंटी है ये वो वारंटी नहीं

द एग्रीव्ड पार्टी कैन ओनली क्लेम द डैमेजेज फॉर द ब्रीच ऑफ वॉरंटी बट कैन नॉट रिपीडियट द कॉन्ट्रैक्ट अग्रीव पार्टी सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती वॉरंटी और कंडीशन में बेसिक डिफरेंस यही होता है अब एग्जाम्पल आ जाओ वही वाली एग्जाम्पल मैंने लिया हॉर्स ट्रेडर वाली ही एग्जाम्पल लिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए इन दोनों में डिफरेंस क्या है हरी गोज टू हॉर्स ट्रेडर हरी जो है वो हॉर्स ट्रेडर के पास गया और उसने वहां जाके कहा कि मुझे एक अच्छा घोड़ा चाहिए I want a good horse. The trader अ गुड हॉर्स horse. अब ट्रेडर ने आगे से उसे घोड़ा दिया और उसने कहा ये वाला घोड़ा ले जाओ ये बहुत अच्छा है और हाँ ये तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता भी है ट्रेडर ने यह बात बोली किसको हरी को हरी ने कहा ठीक है घोड़ा तो अच्छा लग रहा है आप ऐसे करो मुझे दे दो जब हरी घर पर गया तो उसे पता चला कि ये घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं दौड़ता ये तो सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है आर द कमिटमेंट ऑफ द ट्रेडर इज ओनली अ वॉरंटी इट इस नॉट एन असेंशियल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट तो यहां पर जो है वो वॉरंटी टूटी है नॉन फुलफ़िलमेंट ऑफ़ द वारंटी ओनली एंड टाइटल्स द बायर टू रिसीव द डैमेजेस अब जो हरी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्ट ट्रेडर से डैमेजेस ले सकता है कि आपने चालीस किलोमीटर कहा था ये तो तीस किलोमीटर दौड़ता है सिर्फ डैमेजेस ले सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट नहीं कर सकता कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर वारंटी टूटी है हाँ अगर हरी ने आके बोला होता कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और फिर अगर घोड़ा उस रफ्तार से नहीं दौड़ता तो वो कंडीशन टूटती लेकिन यहाँ पर हरी ने ऐसा कुछ नहीं कहा उसने सिंपल ये कहा कि मुझे एक अच्छा घोड़ा चाहिए उसे रफ्तार से कोई मतलब नहीं था तो यहाँ पे वारंटी टूटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट नहीं कर सकता सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है ओके नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिटरमिनेशन वेदर स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन और ए वारंटी अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कि स्टिपुलेशन कंडीशन है कि वारंटी है ठीक है तो ये सेक्शन ट्वेल्व अंडर दिया गया है वेदर स्टिपुलेशन इन अ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंडीशन और अ वारंटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर क्या है किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है और पार्टी की क्या इंटेंशन है उनकी नीयत क्या है जैसे वही घोड़े वाली एग्जाम्पल है पहले वाले केस में उसने आते ही बोला था कि मुझे चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला घोड़ा चाहिए तो वो उसने पहले ही कंडीशन लगा दी थी तो वो कंडीशन थी ठीक है लेकिन अगर उसने सेकेंड वाले केस में मैंने बोला था कि वो आया और उसने कहा कि मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो अच्छा हो तो उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई तो अगर वो घोड़े में कुछ में बाद में गड़बड़ आती है तो वो वारंटी टूटती है वो कंडीशन नहीं टूटती है ठीक है तो डिपेंड करता है पार्टीज की क्या इंटेंशन है और क्या है स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट का ओके नेक्स्ट आ जाओ व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी ठीक है कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब एक्चुअल में टूटती तो कंडीशन है लेकिन हम उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर लेते हैं अब ये कौन से ऐसे केसेस हैं तो ऐसे दो केसेस हैं फर्स्ट इज वॉलेंटरी वेवर ऑफ कंडीशन सेकेंड इज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर ओके हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज वॉलेंटरी वॉलेंटरी होता है अपनी इच्छा से वेवर होता है किसी चीज़ को विदड्रॉ करना वापस लेना ऑफ कंडीशन तो ये सेक्शन थर्टीन सेक्शन वन के अंडर है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ऐसी कोई कंडीशन थी जो कि सेलर ने पूरी करनी थी द बायर में वेव द कंडीशन इन सच अ केस ही में तो बायर जो है कई बार क्या होता है कि कंडीशन अगर टूट गई तो बायर की मर्जी होती है बायर के पास अब ऑप्शन तो है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट कर सकता है लेकिन कई बार क्या करता है बायर बायर क्या करता है कि कंडीशन को वेव कर देता है विदड्रॉ कर लेता है चलो कोई बात नहीं तो वो क्या कर सकता है या तो वो सारी की सारी कंडीशन ही विड्रॉ कर लेगा कोई बात नहीं दे दो मेरे को गुड्स या फिर वो क्या करेगा ट्रीट ऑफ द कंडीशन ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी वो कंडीशन की ब्रीच को वारंटी की ब्रीच मान के डैमेजेस क्लेम कर लेगा मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट तो कर लेगा जो बायर है लेकिन वो क्या करेगा वो कंडीशन के ब्रीच को वारंटी के ब्रीच मान के सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर लेगा ये सिर्फ उसकी अपनी मन की इच्छा है अगर वो चाहे वैसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है लेकिन अपनी इच्छा से वो ऐसा कर सकता है बायर इसकी एग्जाम्पल देखो एक्स एग्रीज टू वाई एक्स ने एग्रीमेंट करा वाई के साथ कि वो उसे सौ बैग्स पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ बासमती राइस के पैंतालीस सौ रुपए पर बैग के हिसाब से बेचेगा ठीक है एक्स ने वाई को एग्रीमेंट करा अब वाई कौन है वाई बायर है वायर ने खरीदना है लेकिन जब सप्लाई करने की बारी आई तो एक्स ने क्या करा सेकंड क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी की जगह सेकंड क्वालिटी बासमती राइस उसे बेच दिए जो कि थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज पर बैग के हिसाब से बेचे ठीक है एग्रीमेंट तो उसने फोर्टी फाइव हंड्रेड का करा था लेकिन थर्टी फाइव हंड्रेड पर बैग के हिसाब से सेकंड क्वालिटी का राइस बेच दिए अब यहां पे क्या हुआ ब्रीच ऑफ कंडीशन कंडीशन टूटी है अब वाई के पास ऑप्शन है वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है लेकिन यहाँ पे वाई ने क्या करा अपनी इच्छा से वो उसे रिफ्यूज़ कर सकता है गुड्स को लेकिन उसने क्या करा उसने अपनी इच्छा से ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया और उसने कहा ठीक है तुम सेकंड क्वालिटी वाले भी ठीक ही लग रहे हैं मुझे चावल तुम यही वाले चावल दे दो और मैं तुमसे डैमेजेस क्लेम कर लेता हूं जो कि वो प्राइस का डिफरेंस है दैट इज रुपीज पर बैग

ठीक है जैसे कई बुक्स में लिखा हुआ है इसका कंपल्सरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी तो सेम पॉइंट है ये भी लिख सकते हो आप हेडिंग वो भी लिख सकते हो ठीक तो है तो सेक्शन थर्टीन सब सेक्शन टू के अंडर है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल सेवरेबल होता है कि डिविजिबल मतलब सेल इस तरीके की है जिसको या कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ और बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसका कुछ हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया है ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन कैन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वॉरंटी तो उस केस में जो ब्रीच है कंडीशन की वो ब्रीच ऑफ वॉरंटी माना जाएगा बट कैन ओनली मेंटेन एन एक्शन फॉर डैमेजेस और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है एंड इफ द कंडीशन वर अ वारंटी ऐसे मान के की कंडीशन जो थी वो वारंटी ही थी ठीक है एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा सिमिलरली वेन अ बायर सेल्स द गुड्स टू द सब बायर अगर सपोज बायर ने अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा डिविजिबल नहीं था और बायर ने क्या करा गुड्स किसी और को बेच दिया आगे सेलर से लेके डायरेक्ट किसी और को बेच दिए एंड डायरेक्ट द डिलीवरी टू बी मेल्ड टू हिम द एक्ट अमाउंट्स टू अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स अब मैं इसकी एग्जांपल देके आपको बताती हूँ जैसे सपोज़ बायर के पास गुड्स आए और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा डिविजिबल नहीं था आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते थे ठीक है गुड्स आए उसके पास बायर के पास उसने क्या करा कुछ हिस्सा तो ले लिया और वही हिस्सा डायरेक्ट किसको आगे किसी और सब बायर को बेच दिया आगे किसी और को बेच दिया और जो बाकी हिस्सा आना था सेलर से बाकी पार्ट की डिलीवरी जो आनी थी उसने सेलर को फ़ोन कर दिया कि आप ऐसे करो मैंने आपके सारे गुड्स किसी और को बेच दिए हैं आप सारी डिलीवरी उसी पर्सन को डायरेक्ट कर दो मेरे को देने की जगह तो यहाँ पे क्या करा इट मीन्स उसने ऑटोमेटिकली गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ पे वो अगर गुड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं निकलते हैं तो उस केस में वो कंडीशन की ब्रीच नहीं मानेगा उसे ज़बरदस्ती उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान के सिर्फ वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट नहीं कर सकता ठीक है एग्जाम्पल है इसमें केस है हार्डी वर्सेस हिलरस का केस है 1923 अब स्टूडेंट्स बहुत कहते हैं कि बहुत सारे केसेस हो जाते हैं बिजनेस लॉ में तो अगर आप इसका केस का नाम भूल जाते हैं वैसे तो कोशिश करिए केसेस के नाम याद रखिए लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस केस की जगह एग्जाम्पल लिख के भी इसको लिख सकते हो ऐसा नहीं कि अगर केस का नाम भूल गए तो लिखना ही नहीं है एग्जाम्पल बना के भी इसको लिख सकते हो ए कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड फॉर द सेल ऑफ वीट ऑन सी आई एफ टर्म सी आई एफ टर्म्स होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट ये आ, इसमें ये होता है कि जो सेलर होता है वो जब तक गुड्स बायर तक पहुंच नहीं जाते हैं कॉस्ट उसकी उसका सारा इंश्योरेंस और फ्रेट पे करता है ठीक है तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिसमें वीट सेल की गई द बायर टुक द डॉक्यूमेंट्स बायर ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जहाँ पे वीट स्टोर थी एंड रीसोल्ड द डिलीवर्ड पार्ट ऑफ द वीट टू द सब बायर्स बायर ने क्या करा उसने वो जो वीट उसके पास जो आई थी उसने आगे सब बायर्स मतलब और आगे लोगों को बेच दिया बेच दी विदाउट मेकिंग प्रॉपर एग्जामिनेशन देर ऑफ बिना वीट को चेक करे कि वीट अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं जब उसने सब बायर्स को बेची तब उन्होंने जब सब बायर्स के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वीट तो बहुत घटिया क्वालिटी की है इन्फीरियर क्वालिटी की है उन्होंने कहा कि हम गुड्स को रिजेक्ट करते हैं उन्होंने वापस भिजवा दिए अब यहाँ पे क्या है इट वाज हेल्ड दैट द रीसेल एंड द डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द वीट वॉज एन एक्ट इनकन्सिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर एंड द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स हैज़ बीन लॉस्ट अब जो पर्सन जिसने बायर ने वीट ली उसने आगे बेच दी बिना चेक करे ठीक है अब इट मीन्स उसने आगे बेच दी अब बेच तो वही सकता है जो खुद सेलर हो जो ओनर हो अब बायर ओनर बन गया तो उसने बेच दी अब वो आगे बेच दी अब अगर बीट की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ निकलती है तो वो जो सेलर है उसको कंडीशन तोड़ के मतलब ये नहीं कहेगा कि तुमने कंडीशन को तोड़ा है अब वीट सारी मैं वापस भिजवा रहा हूँ अब सिर्फ वो सेलर से डैमेज क्लेम कर सकता है लेकिन अब वो गुड को रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑटोमेटिकली गुड्स आगे सब बायर्स को पहुंचा चुका है ठीक है तो यहां पे राइट टू रिजेक्ट द गुड्स जो है वो लॉस्ट हो गया है क्योंकि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा डिविजिबल है मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हो जैसे कि अगर आपने किसी से कोई चीज खरीदी जो कि आपके पास इंस्टॉलमेंट्स में आनी है तो उस केस में आपके पास तब भी राइट right है कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो दस इन अ कॉन्ट्रैक्ट बाई इंस्टॉलमेंट द बायर कैन रिजेक्ट द क्वान्टिटी अंडर एनी इंस्टॉलमेंट अगर आपके पास गुड्स इंस्टॉलमेंट के थ्रू आने हैं तो अगर एक इंस्टॉलमेंट आ गई वो आपको ठीक नहीं लगी तो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिजेक्ट कर सकते हो अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है बट अंडर एन अनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते तो वहां पर बायर जो है वो गुड्स को रिजेक्ट करने का हक खो देता है अगर वो उसका थोड़ा सा भी हिस्सा एक्सेप्ट कर लेता है अब देखो इसका एग्जाम्पल है इसका केस है जैक्सन वर्सेस रोटेक्स मोटर एंड साइकिल कंपनी 1910 का ये केस है इसमें क्या हुआ था एक डीलर था जिसने मैन्युफैक्चरर से हॉर्न्स मंगाए साइकिल के मोटरसाइकिल के जो हॉर्न होते हैं ना हॉर्न्स मंगवाए उसने ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन अलग अलग डिस्क्रिप्शन के कि ये वाले भी भेज देना ये वाले भी भेज देना और अलग प्राइजिज़ पे द हॉर्न्स वर टू तो बी डिलीवर्ड इन सेवरल इंस्टॉलमेंट जो हॉर्न्स थे वो एक इंस्टॉलमेंट में सारा लॉट नहीं आना था अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में वो हॉन्स जो थे वो डिलीवर होने थे द बायर एक्सेप्टेड सम इंस्टॉलमेंट्स बायर ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स uh, एक्सेप्ट कर दी बट बाकियों को रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब ये आगे बिकने वाले नहीं है ये लगने वाले नहीं है अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो वो उसने वो रिजेक्ट कर दिए अब यहाँ पे ये इट वॉज हेल्ड दैट द डीलर वॉज इंटाइटल टू डू सो तो ये माना गया कि डीलर ऐसा यहाँ पे कर सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिविजिबल है और जो हमारी गुड्स uh, आने थे वो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट्स में थे तो अब यहां पे जो डीलर है वो बाकी वाली इंस्टॉलमेंट्स को कैंसिल कर सकता है उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है लेकिन जहां पे गुड्स या फिर जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं होता है और अगर आपने उसका गुड्स का थोड़ा सा भी हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस में आप फिर उस गुड्स को रिजेक्ट करने का हक खो देते हो और सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर पाते हो ओके आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू